तो फाइनली शाओमी ने MIUI 10 का जो बीटा अपडेट है 9.5.16 जो है वो रोल आउट करना स्टार्ट कर दिया है, और रेडमी नोट 5 प्रो को आज शाम से ये मिलना शुरू हो जाएगा। हमको ये मिल चुका है, मैंने इसको ऑलरेडी इंस्टॉल कर लिया है। मैं आपको बताऊंगा इसमें क्या नए चेंजेस किए गए हैं और कैसे आप इसको आगे चल के अपने फ़ोन में इंस्टॉल भी कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो ये देखिए डिवाइस मॉडल Redmi Note 5 Pro Android वर्जन 9 यानी पाई के ऊपर रन कर रहा है। आपको सिक्योरिटी पैच जो मिलता है 5 मई 2019 का, और MIUI वर्जन आप देख पा रहे होंगे MIUI 10 ग्लोबल 9.5.16 बीटा, जो कि आप लोगों को आज शाम से मिलना शुरू हो जाएगा या कल सुबह तक ही मिलना शुरू हो जाएगा अगर Xiaomi ने इसको सस्पेंड नहीं किया तो। ओवरऑल मेजर चेंजेस कुछ भी नहीं किए गए हैं इसके अंदर, बस जो है फिंगरप्रिंट जो है उसको पहले से फास्ट किया गया है, काफ़ी फास्ट हुआ है फिंगरप्रिंट। ये देखिए फिंगरप्रिंट जो है पहले से काफ़ी फास्ट हुआ है और काफ़ी परफेक्टली काम कर रहा है इसके अंदर। और छोटे मोटे चेंजेस आपको और भी देखने मिलेंगे, आप देख पा रहे होंगे वोल्ट का आइकन जो है चेंज हुआ है, इस तरीके के छोटे मोटे UI आपको नोटिफिकेशन में चेंजेस देखने को मिलेंगे। जो मेजर चेंजेस जो उन्होंने किए गए हैं वो ऐप वॉल्ट के अंदर उन्होंने क्या किया है, आप यूटिलिटीज में जाते हैं नीचे, ये देखिए यहाँ पे एक मोर का ऑप्शन देखने को मिलता है। मोर में अब इन्होंने काफ़ी सारी एप्लीकेशंस को ऐड किया, जैसे न्यूज़ में काफ़ी सारी जो न्यूज़ चैनल्स हैं उनको ऐड किया है, मूवीज़ के लिए बुक माई शो पेटीएम वगैरह इन सब को इन्होंने ऐड किया है। काफ़ी सारी चीज़ें जो है इसके अंदर इन्होंने ऐड की है जिसको आप आसानी से ऐप वॉल्ट के थ्रू जो है चेकआउट कर सकते हैं। और साथ ही साथ नीचे MI कैलकुलेटर के 3 ऑप्शन और आपको देखने को मिलेंगे, BMI डिस्काउंट और परसेंटेज, जिनको यहाँ से आप क्लिक करके अपने डिस्काउंट या परसेंटेज या BMI स्कोर जो होता है उसको ईजिली चेक कर सकते हैं। कैमरे में कोई ओवरऑल चेंजेस नहीं किए गए हैं। काफ़ी लोग सोचते थे कैमरे के अंदर जो 4K रिकॉर्डिंग आएगी या AI मोड या कैमरा टू API, ऐसा कुछ नहीं हुआ है और कुछ नहीं होने वाला है। मैं आपको दिखा देता हूं आपके लिए फिर भी एक बार वीडियो पे, ये देखिए सेटिंग्स पे वीडियो क्वालिटी आपको 30 FPS, 60 FPS और 720 की 30 FPS और 480 की 30 FPS ही देखने को मिलती है इसके अंदर। कैमरा टू API अभी भी इसके अंदर इनेबल नहीं किया गया है। थीम स्टोर में जाएं तो थीम स्टोर में आपको कुछ चीज़ें दिखा देता हूं। जैसे आप अपने यूज़र अकाउंट पर जाते हैं आपको कस्टमाइज थीम के अंदर ये सारे के सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं। ये लास्ट टाइम भी थे बट इन्होंने जब इसको ओपन बीटा में लेके आए थे तो इन्होंने ये बूट एनिमेशन और बूट ऑडियो जो था उसको रिमूव कर दिया था। मैं इस टाइम पर क्लोज्ड बीटा पर हूँ मगर आप शाम तक ही ओपन हो जाएगा और आप लोगों को मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये भी इसके अंदर चीज देखने होते हैं। गैलरी के अंदर छोटे मोटे वही चेंजेस किए गए हैं आप देख पा रहे हैं। आप इनको मंथ व्यू में भी अब आप इनको चेकआउट कर सकते हैं, जैसे आप देख पा रहे हैं अभी टुडे और यस्टरडे शो कर रहा है। आप इस तरीके से करेंगे आप इनको मंथ व्यू में भी अब इसके अंदर देख पाएंगे। आपको कैलेंडर के अंदर भी छोटे मोटे चेंजेस किए हैं, जो कि मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था। इन्होंने कुछ लैंग्वेजेस का जो UI है उसको कम्प्लीटली चेंज कर दिया है ताकि एक आपको अलग सा लुक मिले, यानी कि आने वाले दिनों में काफ़ी सारे आपको UI के चेंजेस इसके अंदर देखने को मिलते हैं। और साथ ही साथ आप सेटिंग्स में चलते हैं, कुछ और चीज़ें भी चेक कर लेते हैं। डिस्प्ले में चलते हैं, आपको डार्क मोड इसके अंदर मिल जाता है जो कि परफेक्टली काम कर रहा है। ये देखिए डार्क मोड आपका जो डायलर मैसेज पैड सब कुछ जो है इसके अंदर जो सिस्टम वाइड जो है सारी की सारी चीज़ें जो है डार्क मोड पर चली जाती हैं। आपका नोटिफिकेशन पैनल भी इसके अंदर अब डार्क मोड में हो जाता है। तो ये चीज़ अच्छी है कि आपको डिस्प्ले के अंदर जो है डार्क मोड जो है इसके अंदर देखने को मिल जाता है। आप इसको डिसेबल करेंगे वापस आपका जो लाइट मोड पर आ जाता है इसके अंदर। कुछ और चीज़ें मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर आप लॉक स्क्रीन एंड पासवर्ड में जाएंगे तो आपको जो है वो जो क्लॉक्स के जो आपने लास्ट टाइम देखा था कि 3 तरीके की क्लॉक्स जो है उन्होंने इंट्रोड्यूस किए हैं वो आपको एडवांस सेटिंग में लॉक स्क्रीन फॉर्मेट पर देखने को मिल जाती है। सेंटर्ड, लेफ्ट लाइन और वर्टिकल जो है बिल्कुल सैमसंग की तरह आपको लुक आपको फोन में देखने मिलता है। ये देखिए कुछ इस तरीके का लुक आपको देखने को मिलता है। फेस अनलॉक और फिंगरप्रिंट जो है पहले से बेटर हुआ है, काफ़ी जल्दी अच्छी तरीके से परफेक्टली इसके अंदर काम कर रहे हैं। सिक्योरिटी के अंदर गेम बूस्टर का एप्लीकेशन जो है आपको अभी भी देखने को मिल जाता है। ये देखिए गेम बूस्टर, आप गेम बूस्टर को यहाँ से इनेबल कर सकते हैं। बेंचमार्क स्कोर पहले से काफ़ी इंप्रूव हुआ है, दैट मीन्स कि बैकएंड में इन्होंने काफ़ी सारे मेजर जो है इंप्रूवमेंट्स किए हैं कि बग्स वगैरह फिक्स किए हैं, जिससे जो बेंचमार्क स्कोर जो है पहले से काफ़ी इंप्रूव हुआ है और फोन जो है अब बूट भी बड़ी जल्दी हो रहा है और मुझे गेम खेलते समय कोई भी हीटिंग का इशू ज़्यादा देखने को अभी नहीं मिला है इसके अंदर। तो ये देखिए 119143 के आसपास जो है इसको बेंचमार्क स्कोर मिला है, जो कि एक अच्छा स्कोर है Redmi Note 5 Pro के ऊपर। और MIUI तो आप लोगों को पता ही है पहले से इसके अंदर आ चुका है, बट कह रहे हैं काफ़ी इंप्रूव हुआ है, पहले से काफ़ी बेटर हुआ है ये और काफ़ी बैंक स्कोर को सपोर्ट कर रहा है। फाइल मैनेजर आपको एज इट इज़ वही मिलता है जैसे आपको देखने को मिलता था पहले। तो अब बात करते हैं इसको इंस्टॉल कैसे करना है। अगर आपने कस्टम TWRP रिकवरी इंस्टॉल कर रखी है तो डायरेक्टली आप इस फाइल को डाके डाउनलोड कीजिए और उसको अपने फ़ोन के अंदर इंस्टॉल कर लीजिए। 1.76 GB की फाइल है। अगर ये ओपन हो जाता है तो आपने क्या करना है, सेटिंग्स पर जाना है। सेटिंग्स पर जाके अबाउट फोन पर जाके सिस्टम अपडेट पर जाके आपको यहाँ मेनू पर टिक करके
चूज अपडेट पैकेज करना है, और उसके बाद आप इस पैकेज को सिलेक्ट करके ओके करेंगे और उसके बाद जो है अपडेट जो है आपके फ़ोन के अंदर स्टार्ट हो जाएगा। तो बस ये छोटा सा वीडियो इसी के ऊपर था कि 9.5.16 जो है रोल आउट होना स्टार्ट हो चुका है, काफ़ी सारे Xiaomi के फ़ोन्स को मिलना शुरू हो चुका है। Redmi Note 5 Pro के यूजर्स को आज शाम को या कल सुबह तक ये मिलना शुरू हो जाएगा। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, तो प्लीज़ ज़्यादा लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।